और बेरमो के फूसरो में कुर्मी समाज के लोगों ने लोकसभा में कुर्मी जनजाति को जनजाति में शामिल नहीं करने को लेकर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला फूंका। इससे पूर्व आक्रोशित कुर्मी जाति के लोगों ने शव यात्रा भी निकाली थी। शव यात्रा के दौरान लोग कुर्मी समाज के जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा मुर्दाबाद, अर्जुन मुंडा होश में आओ, कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल करना, ये नारे लगा रहे थे। और आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने कहा कि सांसद अर्जुन मुंडा को संसदीय क्षेत्र के कुर्मी बहुल गांव में घुसते नहीं दिया जाएगा। विरोध करने वाले लोगों ने कहा कि टैटमिक कुर्मी जाति को 1950 में राजनीति से प्रेरित कारणों के कारण अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया था। टैटमिक कुर्मी जाति को सूचीबद्ध करने के पर्याप्त सबूत हुए भी अर्जुन मुंडा ने सदन के पटल पे नहीं रखा। केंद्रीय जनजाति विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा जी का पुतला दहन किया गया है। अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में और राज्यसभा में 10 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का बिल पेश किया है। 2004 में थे तो उन्होंने अपना कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने का कैबिनेट से पास करके भारत सरकार को जनजातीय विभाग में भेजा था। और अभी वर्तमान में अर्जुन मुंडा जनजातीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, उन्होंने दो दिन पहले लोकसभा राज्यसभा में बिल पेश किया है जिसमें कुर्मी जाति को एसटी सूची से वंचित किया गया। हम लोग इसका विरोध करते हैं और कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने के लिए हम लोग मांग करते हैं। और अगर मांग पूरा नहीं करता है तो आज हम लोग यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम शुरुआत किया है। ये लड़ाई पूरे झारखंड प्रदेश में चलेगा, क्योंकि झारखंड प्रदेश में कुर्मी जातियों की जनसंख्या 25 कुल आबादी का 25% है। झलक के रूप में आज हम लोग पेश कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, आने वाला समय में उनका घर तक हम लोग पहुँचेंगे। ये झारखंड कुर्मी महासभा की ओर से ये ऐलान है, आने वाला दिन में हम लोग इसका बैठक करेंगे और पूरा झारखंड में घूमते हुए उनका घर तक जाकर उनका पुतला